वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा डेली व्लॉग का पांचवा दिन है और मैं जस्ट अभी उठी हूँ, पूरी नींद में हूँ। और मेरा व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है रात को। मैं ऐसे ही सो गई थी इसी कपड़ों में, बहुत थक चुकी थी। तो सबको आप प्लीज़ जाके देख लेना गर्ल का व्लॉग। और अभी तो मैं फ्रेश होऊंगी और अभी मेरे क्लास है, वही ख़त्म करूंगी। यार आज तो घर पे ही हूँ, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो घर का ही कुछ कुछ दिखाती रहूंगी आपको, तब देखते रहना। मैं और पापा बाहर जा रहे हैं सब्जी लेने, तो मैंने उसका भी ब्लॉग निकाल लिया। मतलब अभी जा रहे हैं रास्ते में, अभी तो मैं घर पर ही हूँ, पापा नीचे गए हैं, मैं भी जा ही रही हूँ। तो हाँ बस मैं जा रही हूँ, फिर आके बात करती हूँ। काम करती है ना, देख मैं वही सब आटा ठीक से गूंदना। जाना ही थी, जो नहीं आता ना वो चीजें सिखानी पड़ती है तुझे, आटा ठीक से गूंदना। जाना ही थी लो। देखो मैं ना ऐसे तैयार होके जा रही हूँ, वो कल ऐसे भूत जैसी गई थी ना, तो हिली के ब्लॉग में बहुत गंदी दिख रही थी। तो आज आपको आना है ऐसा है? ना तो फिर नीचे मैकडोनल्ड्स है तो वहाँ पे ऑर्डर लेके रखना, ठीक है? तंबूर होता है एक्सपेंसिव थे तो बहुत हर रोज आटा हेली ही गूंथती है, डेली का है ये इसका काम। ऐसे ही मेरा नाम बदनाम है, पता नहीं क्यों। किसने मना किया है? लेकिन ये दीदी आप बोलते हो कभी कभी, मैं नहीं करती हूँ, मैं तो हेल्प तो कुछ करती ही नहीं है, पूरा दिन बैठी रहती। कभी कभी तेरा हो जाता है उतना ज्यादा, तो क्या करें। तो मेरे लेक्चर्स वेक्चर्स सब खत्म हो चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ सो के। और फिर अभी तो बज रहे 3:30 और मैं सो रही थी तब अचानक से एक अर्जेंट में कॉल आया शूट के लिए। वो बहुत ही अच्छा शूट है, किसका शूट है मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं आप सबको बताऊंगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत बहुत सारी पैकिंग कर रहे थे इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई, मतलब शूटिंग नहीं कर पाई बीच बीच में, मतलब व्लॉग नहीं निकाल पाई। तो अभी मैं वहाँ पर जाके थोड़ा थोड़ा BTS डालूंगी, प्रॉपर नहीं दिखा सकूँगी मैं, और रास्ते का थोड़ा व्लॉग लूंगी और फिर मैं आपको घर पे आके मिलूंगी। देती हूँ कि मैं कहाँ पे आई थी, मैं एक TV सीरियल के शूट के लिए आई थी और उसके अंदर एक मेरा छोटा सा रोल है,
तो आप सबको कलर्स गुजराती पे वो सीरियल देखने को मिलेगा, उसका नाम है सोरठनी मिसेस सिंघम। तो मैं उसके अंदर, मेरा छोटा सा रोल है, तो अभी मेरा पैकअप हो चुका है, अभी मैं घर पे जा रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, मैं घर पे जाके बाकी सारी बातें करती हूँ। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं बहुत मेहनत के बाद। हम आज ऑटो में गए थे तो हमें कोई ऑटो ही नहीं मिल रही थी, तो पता नहीं, हमारा शूटिंग गाँव बंगलो है, सरपंच का बंगलो है, तो उसके अंदर हमारा शूट था। तो वहाँ पर कोई अच्छा आदमी मिल गया तो उसने हमें लिफ्ट दे दी बाहर तक। तो हम फाइनली, डायरेक्टर खुद आए थे छोड़ने। हाँ, वो अरे त्यासी रिक्शा नहीं बात करी। ओके, तो फिर अभी घर जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक लिए टाटा। ये लड़की कितनी मेहनत करती है देखो, हील पहन के। सब ने खाना वाना खा लिया है और फिर, हाँ दीदी ने नहीं खाया क्योंकि वो थक गए हैं पूरे। हम सब खाना खा लिया और आज मम्मी पापा की तिथि के हिसाब से एनिवर्सरी है, तो पापा हमें आइसक्रीम पार्टी दे रहे हैं, तो मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। तो आप लोग भी आओगे मेरे साथ? चलिए। मैं आप सबको ये भी बताना चाहती थी कि कल मुझे एक चैरिटी की मीटिंग में जाना है, वो मैंने अभी सबको बताया, मतलब वो दोपहर को जाना है, फिर कल तो वो कैफ़े का ओपनिंग भी है तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। और मैं अच्छी दिख नहीं रही ऊपर, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और वो मीटिंग है जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए है, तो हम सब मिलके उनके लिए चैरिटी करेंगे, तो उसके लिए है। पापा तो मैं आइसक्रीम लेके फटाफट से ऊपर आ गई क्योंकि 10 बज गए थे, तो अंकल ने शॉप बंद कर दी थी, तो मैं फटाफट से भाग के गई और मैंने जल्दी से ले लिया और मैं फटाफट भग के गई। भग के, हाँ भग के गई और भग के आई। कमलेश कमलेश धुन 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 धुन। और दीदी को पता नहीं क्या बूट लगा है कि वो मेरे व्लॉग में आने के लिए अच्छे से तैयार होते है। वो बोलते हैं कि मैं व्लॉग में, ऐसा ही नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं और आज मैं एंडिंग मम्मी के साथ करती हूँ ना। नहीं करना, उतारो तो दीदी, उभी रहे, बाल खुला दे। मुझे पेट में तो दर्द नहीं होगा ना? चलो ये बात लो ना। So do like, share to my YouTube channel which is Heli Sadhu. Subscribe. And subscribe. Subscribe भी कर देना. And thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye.